पंजाब पुलिस से भागा भागा फिर रहा खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह पाकिस्तान भागने की फिराक में है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अमृतपाल सिंह को पंजाब से निकालकर पाकिस्तान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस खुफिया अलर्ट के बाद पंजाब से सटी पाकिस्तान की सीमा पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर BSF और सेंट्रल लाइन ऑफ डिफेंस पर पंजाब पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 18 मार्च को पंजाब पुलिस ने अमृतपाल और उसके खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ अभियान शुरू किया था। तब से अमृतपाल फरार है। फरारी के दौरान वह लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में रहा है। ISI के साथ संपर्क में रखने में उसका सहयोगी और साथ में ही फरार चल रहा पप्पल प्रीत सिंह जरिया बना हुआ है। अमृतपाल पहले नेपाल के रास्ते ISI के शेल्टर होम में जाने की कोशिश में था, लेकिन यह मिशन नाकाम हो गया, जिसके बाद वह एक बार फिर पंजाब लौट आया। यहाँ पुलिस उसे पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाए हुए है। दरअसल ISI के इशारे पर अमृतपाल सिंह और उसका खासम खास पप्पल प्रीत सिंह नेपाल सीमा तक पहुंचे थे। यहां दोनों को नेपाल सीमा में प्रवेश करना था, जिसके बाद ISI के स्लीपर सेल की मदद से अमृतपाल और पप्पल प्रीत को किसी दूसरे देश के ISI शेल्टर होम में भेजा जाना था। भारत सरकार की सख्ती की वजह से अमृतपाल सिंह भारत नेपाल की सीमा पार नहीं कर सका। मिशन सफल होता न देख पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने अमृतपाल को वापस पंजाब लौटने का इशारा किया। यहाँ से वह बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में भागने की फिराक में है। ISI पंजाब से सटी पाकिस्तान की सीमा से अमृतपाल को पाकिस्तान में लाने का प्रयास कर सकती है। अमृतपाल को सीमा पार पहुंचाने के लिए ISI ने पाकिस्तान से सटे पंजाब के फाजिलका, फिरोजपुर, तरतारनपुर, गुरदासपुर, अमृतसर और अजनाला के इलाकों में अपने स्लीपर सेल को एक्टिव किया है। ISI ने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक पाकिस्तान जिस रूट से भारत में अपने स्लीपर सेलों को हथियार और नशे की खेप भेजता है, उसी रूट के माध्यम से अमृतपाल सिंह को पंजाब से निकालकर पाकिस्तान भेजने की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं।